इंदौर में चमकते मुंबई की धमक को देखकर एक्टर बनने की ख्वाहिश देखने वाले एक युवक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने तुकुगंज थाना पुलिस को आवेदन देकर शिकायत की है। अब शिकायत के आधार पर एक्टर राजपाल यादव के खिलाफ पुलिस ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इंदौर के तुकुगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा अपने बेटे को मुंबई में फिल्मों में काम दिलाने और कलाकार बनाने को लेकर पिछले दिनों राजपाल यादव से संपर्क किया था और फिर उन्हें फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की राशि भी दी गई थी। बाद में ना ही बेटा कलाकार बन पाया और ना ही राजपाल यादव का कोई जवाब आया, जो जाने माने फिल्म कलाकार है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने राजपाल यादव के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुरेंद्र सिंह सरदार हैं, जो अपने लड़के को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए राजपाल सिंह को पैसा दिए थे। राजपाल यादव जो एक्टर हैं उनको पैसा दिए थे, जो उनके लड़के को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रखवाए और न ही उनके पैसे वापस किए। इस संबंध में उन्होंने एक लेखी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके संबंध में राजपाल यादव को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने के लिए बताया गया। फिलहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में जानी मानी हस्ती राजपाल यादव नोटिस का जवाब किस कदर देते हैं और पूरे मामले में कितना पुलिस फरियादी को राहत पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।